उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गौरा रोरी गांव में भगवती लाहौर की चाय की दुकान पर 3 महीने से रोजाना एक सारस आता है। सुबह सुबह आई है, कब जाता है फिर वापस? 6 बजे चल जाए। शाम को ये कहाँ फिर जाता है? नहीं, सिंगन में कहूँगा, कल के बैठक उठक है, वो कहाँ जाए? क्या कुछ खिलाते हैं आप उसको? मैं देख रहा हूँ छोटा सा दुकान संभाली। अब यही जो रखे हैं वही से खिलाते हैं जो खाता है। बस्ती के डीएम ने वन विभाग से इस मामले की जांच करने को कहा है। ऐसी घटना हमें विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आई है, इसके लिए हमने वन विभाग को निर्देशित कर दिया है मौके पर जाकर जो भी स्थिति है उसका समाधान निकालकर वन्य प्राणी अधिनियम संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो वन विभाग के द्वारा की जाएगी। इस साल मार्च में राज्य के अमेठी जिले में आरिफ नाम के शख्स के घर पर भी एक सारस के रहने की बात सामने आई थी। उस मामले में आरिफ के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। वन विभाग ने आरिफ के घर से सारस को लेकर कानपुर चिड़ियाघर में भेज दिया था।